हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि SSC में दो जो कि रिसेंटली पोस्ट निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट निकला है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, जो दो पोस्ट निकला हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड C&D एग्जामिनेशन, इसके बारे में बात करूँगा। इसके साथ साथ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन, इसके बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है आप लोग नहीं जान पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले मैं क्या करूँगा, जूनियर जो ट्रांसलेटर के जो कि हिंदी ट्रांसलेटर जॉब है, इसका जो PDF फाइल है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद इसका जो ऑफिशियली जो जो डिटेल यहाँ पे दिया हुआ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पोस्ट है यहाँ पे, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर के जो कि यहाँ पे जॉब निकला हुआ है। इसके साथ साथ इसका जो ऑनलाइन के एप्लीकेशन डेट जो है 22 अक्टूबर 2018 से इसका जो स्टार्ट होगा, इसके साथ साथ 19 सितंबर 2018 तक इसका जो लास्ट डेट रहेगा। इसके साथ साथ आपको जो ऑनलाइन पेमेंट भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 21 सितंबर 2018 तक आपका लास्ट डेट जो कि इसका रहेगा पेमेंट के लिए। तो दोस्तों, पोस्ट जो है यहाँ पे वन बाय वन मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ इसका जो सैलरी रहेगा उसका भी मैं एक बार बोल देता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट पोस्ट जो है जूनियर ट्रांसलेटर इन सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, इसके लिए आपका जो सैलरी रहेगा यहाँ पे 35,400 रुपीज़। सेकेंड जो है जूनियर ट्रांसलेटर इन MO रेलवे बोर्ड, इसके भी सैलरी जो रहेगा सेम रहेगा 35,400। उसके बाद जो है जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्मी फोर्स हेडक्वार्टर, उसका भी सेम सैलरी रहेगा। इसके बाद जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सर्बोंडियर ऑफिसर हु हैव एडोप्टेड मॉडल RROS और ऑफ DOP&T फॉर JT JHD, तो इसका भी सेम आपको जो कि सैलरी सेम रहेगा। इसके साथ साथ उसका जो सेकेंड उसका बाद जो पोस्ट निकला हुआ है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, इसका भी आपको सैलरी जो रहेगा 44,900 से शुरू होगा एंड 1,42,000 तक आपका सैलरी रहेगा। इसके साथ जूनियर ट्रांसलेटर के जूनियर ट्रांसलेटर इन इसका भी जो सैलरी रहेगा आपको 35,000 और 1,112,400 रुपीज़ का आपका आसपास आपका जो मंथली सैलरी रहेगा। उसका बाद जो है हिंदी प्राध्यापक इन सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका रिक्रूटमेंट है, इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी रहेगा 47,600 रुपीज़। तो दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी जो कि वैकेंसी के जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वैकेंसी इस विल बी डिटरमाइंड इन द ड्यू कोर्स। उसके बाद जो रिजर्वेशन है सुइटेबली पोस्ट फॉर द पर्सन डिसेबिलिटीज, यहाँ पे कुछ SC ST या OBC या फिजिकल हैंडीकैप जो लोग हैं उसके लिए खूब पोस्ट है, कुछ वैकेंसी है वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अप्लाई करना, इसके लिए आपको जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है SSC.NIC SSC.NEET.IN, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपका अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए मैं इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ और कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनलिटी और सिटीजन जो कि यहाँ पे है, आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके साथ साथ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान के और टिबेटियन जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते। एज लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पे आपका 30 ईयर्स तक आपका एज लिमिट जो रहेगा, अगर आप 30 ईयर्स के हो तो आप अप्लाई कर सकते, उसके ज़्यादा जो अगर हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से और कुछ अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो उसके बाद में उसका बारे में मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जिसको मैं बोल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक बात जो कि यहाँ पे है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए फर्स्ट जो पोस्ट निकला हुआ है उसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज
एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, उसके साथ साथ मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो दोस्तों अगर आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं कोई भी ट्रांसलेटर हिंदी सब्जेक्ट में, तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। जो लोग मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हो उसके साथ साथ आपका मास्टर डिग्री में आपको हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। तो ये था आपका जो कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन जो कि है यहाँ पे ऑनलाइन मोड है। तो आपको जो कि लास्ट डेट आपको ध्यान रहे 19 सितंबर 2018 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते। एप्लीकेशन जो फीस है यहाँ पे 100 रुपीज़ फॉर द ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट के लिए। तो ये था आज की वीडियो जो कि दिया हुआ है एसएससी की तरफ से। तो दोस्तों इसके बाद जो कि और एक पोस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, स्टेनोग्राफर बी ग्रेड सी और डी के बारे में। तो इसके लिए मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे इसका जो ऑफिशियली जो डिटेल्स यहाँ पे दिया हो उसके बारे में। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे चला आया है। तो दोस्तों इसका भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 22 अक्टूबर 2018 से शुरू होगा। इसके साथ साथ लास्ट डेट भी सेम रहेगा 19 सितंबर 2018 तक। पोस्ट है इसका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी। तो दोस्तों ये ध्यान रहे स्टेनोग्राफर के यहाँ पे आपका जो पोस्ट है। तो वैकेंसी जो भी वैकेंसी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसके साथ साथ जो कि यहाँ पे दिया हुआ है नेशनलिटी आपको सेम ही रहेगा, इंडियन नेपाल भूटान जो लोग हैं जो नेशनलिटी है वो लोग ही अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 to 30 years तक आप अप्लाई कर सकते। डी पोस्ट के लिए आपको 18 to 27 years तक आप अप्लाई कर सकते। और SC/ST के लिए आपको 5 years के जो कि एक्सटेंड होगा, उसके बाद OBC के लिए 3 years और PW के लिए 10 years, PW OBC के लिए आपको 13 years, PW SC/ST के लिए 15 years के आपका जो यहाँ पे एज एक्सटेंड हो। उसके साथ साथ आपका एक्स आर्मी मैन के लिए 3 years के 3 years के होगा। तो इस तरह से जो कि आपका एज जो है यहाँ पे आपको ये देखना इसका भी मैं डिटेल नीचे इसका जो लिंक है ऑफिशियल के नोटिफिकेशन लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड है, आप लोग ऑनलाइन में जाके अप्लाई कर सकते। तो बाद में इसका जो अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि है यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड ऑफ एक्वालिटी एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। तो इसके साथ साथ आपका जो स्टेनोग्राफर के आपका कोड क्रॉस कोई भी अगर है तो आपको रहना चाहिए। इसके साथ के आपको 12 पास का जो कि आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज़, आपको SBI पे चालान कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ऑनलाइन में जाके वो भी आपका जो फीस है पे कर सकते हैं ऑनलाइन। और एप्लीकेशन के जो लास्ट डेट है 19 सितंबर 2018 तक अप्लाई कर सकते। तो ये था स्टेनोग्राफर की ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के जो रिक्रूटमेंट निकला है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया कि तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।